हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आज जैसा कि नोटिफिकेशन कल के डेट में जारी हुआ है, तो सबसे पहले कलर का हम डिटेल देखने वाले हैं, डिटेल्स में कि किसका क्वालिफिकेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू 2016। तो हम लोग आइए बिना लेट के हुए चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, कलर का ये जो 2016 का वैकेंसी आया था उसका ये PDF है। तो 2016 में जो वैकेंसी आया था उसमें जो पोस्ट थी दोस्तों, वो देखिए कितना पोस्ट थी, 1681 पोस्ट थी। समझ में आया कितना पोस्ट थी? 1681। और इस पास कितना पोस्ट है? 3325, यानी कि लगभग डबल से भी ज़्यादा पोस्ट हो गए हैं। तो इस बार जो आपकी अपॉर्चुनिटी बन रही है वो बहुत ही ज़्यादा बन रही है। तो हमारे साथ वन बाय वन बने रहिए और देख लीजिए सारा अभी से, और अभी से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले पे स्केल जो था 5200 से 20200 तक, और आपका जो ग्रेड पे होगा वो 2400 के ग्रेड पे में आपका वैकेंसी जो होगा बहाली होगा। इसके बाद वैकेंसी का कैटेगोरिकल वहाँ पे क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन भी था। तो देखिए, इसमें अनरिजर्व का 144 था, तो इसमें इस बार फीमेल का भी फिर से रिजर्वेशन रहेगा। बैकवर्ड क्लास में भी मेल का अलग वैकेंसी आएगा, फीमेल का अलग होगा। एक्सट्रीमली बैकवर्ड में भी मेल का अलग होगा, फीमेल का, क्योंकि 35% आरक्षण अभी चल रहा है। शेड्यूल कास्ट में भी मेल का आएगा, फीमेल का आएगा। शेड्यूल ट्राइब में भी मेल का आएगा, फीमेल का आएगा। ये 5% अलग से जो फीमेल का चलता है वो यहाँ पे दे रहा है। और यहाँ पे अगर एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो इकोनॉमिकली EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसका भी आरक्षण देखने को मिलेगा। तो ये जो डिटेल वैकेंसी जब 16 तारीख को आएगी तो अब हम लोगों को पता चलेगा। अभी मैं आप लोगों को ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, रिजर्वेशंस मिलेगा किसको? तो जो बिहार के लोग होंगे बस उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। बिहार के बाहर के अगर लोग होंगे वो जनरल्स पे फाइट कर सकते हैं। बिहार के बाहर के लोग जो अगर इसको फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो जनरल पे ही सिर्फ और सिर्फ फाइट करेंगे। जो बिहार के लोग होंगे उनको प्रॉपर रिजर्वेशन दिया जाएगा। दूसरा, यहाँ पे आगे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो क्राइटेरिया क्या था, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले एज लिमिट की अगर बात कर लें तो मेल का मिनिमम सबका 18 साल था। मिनिमम क्या था? 18 साल का। अनरिजर्व मेल के लिए 37 साल मांगा था और अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 साल था। उसी तरह से OBC के लिए भी 40 था, फीमेल मेल फीमेल दोनों के लिए 40 था। यानी कि जनरल में फीमेल को वो 3 साल अलग से रिजर्वेशन दिया गया था। इसके बाद SC ST को 2 साल और ज़्यादा होता है। जैसे कि जो OBC को रिजर्वेशन मिलता है वो प्लस 3 साल का मिलता है, तो 37 में 3 जोड़िएगा तो 40, और SC ST को मिलता है 5 साल का, ठीक है? तो 37 में 5 जोड़िएगा तो 42 साल का यहाँ पे था, ठीक है? और जो फिजिकली हैंडीकैप थे उनको 10 ईयर का अलग से एज रिलैक्सेशन दिया गया था। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो देखिए, कलर की जो वैकेंसी आई थी उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसको ग्रेजुएशन खोज रहा था। अब ग्रेजुएशन में BA, BCOM, BSc, BCA वाले भी इसको भरे थे पिछले बार। जो लोग BTEC वाले थे उसके लिए भी भरे थे। तो जो लोग BTEC थे उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो भी ग्रेजुएशन में कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे जो मतलब कि एक NTPC वैकेंसी जब भरने में आता है तो आप लोग देखते हैं ना, नेशनल टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो है रेलवे का, उसमें बहुत सारे डिग्री, सारे डिग्री को ग्रेजुएशन लेवल पर मान किया गया था। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, कोई भी ग्रेजुएट होगा तो उसको क्या करा जाएगा, मान्य करा जाएगा, ठीक है? डिग्री फ्रॉम द, ठीक है, हिंदी विद्यापीठ देवघर और अन्य सच डिग्री ऑप्टेन इंस्टीट्यूशन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज वैलिड क्वालिफिकेशन। यानी जो संस्कृत का बोला साहित्यालय डिग्री वाला यहाँ पे नहीं क्रिएट किया जाएगा, ठीक है? बाकी सबको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है? और उसके साथ मैंडेटरी है आपको यहाँ पे कि कंप्यूटर प्रिफ्रेंसेस, यानी कि आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि 6 मंथ का एक CCC का कोर्स होता है नाइलेट का, वो आप लोग कर लेंगे। इसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा तो वो कंप्यूटर प्रोफेंसी में आपका आ जाएगा। तो फॉर्म भरने के बाद भी उसको कोर्स को कर लेंगे तो वो मानता मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। जिसके पास कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं होगा वो अलग से एक CCC का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, नहीं तो आप जो लोग BTEC करा होगा उसको तो कंप्यूटर प्रोफेंसी अलग से होगा ही। तो कंप्यूटर का बहुत बड़ा परेशानी नहीं होना, आजकल सबको 12th में भी कंप्यूटर पढ़ते हैं। तो कहीं भी आप अगर कंप्यूटर पढ़े होंगे तो आपका वैलिड है। पिछले बार भी बहुत लोग सर्टिफिकेट बना, जब इंटरव्यू में जा रहे थे तो सर्टिफिकेट बना बना के ले जा रहे थे। तो 6 महीने का DCA का सर्टिफिकेट भी बहुत लोगों के पास होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये किसी भी तरह का कोर्स होता, मैं CCC के बारे में एक पर्टिकुलर कोर्स बना दूंगा, वहाँ से आप डिटेल इसका देख सकते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम का मोड क्या होगा दोस्तों। देखिए एग्ज़ाम, यहाँ पे एग्ज़ाम का मोड जो था वो पिछले बार बोला था कि अगर बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो हम सबसे पहले एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम लेंगे जो MCQ बेस्ड होगा।
तो यहाँ पे 90 मार्क्स और 10 मार्क्स दे रहा है, ये जो फाइनल एग्ज़ाम था उसका दे रहा है। इसके पहले एक पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, वो इसका दो पेपर था, दो शिफ्ट में हुआ था, तो दोनों शिफ्ट का पेपर जो है आज लेट नाइट तक आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और स्टोनोग्राफर वगैरह का सारा चीज़ का मैं डिटेल यहाँ पे डाल दूंगा लेट नाइट तक। तो देखिए, सबसे पहले जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था वो दो शिफ्ट में हुआ था, बहुत ज़्यादा बच्चे होने के कारण दो शिफ्ट में हुआ था एग्ज़ाम। और उसका जो सिलेबस था वो कितना मार्क्स का क्या था ये हम आपको बता देते हैं। तो जनरल स्टडी यानी कि जिसको हम लोग जीएस बोलते हैं वो 25 नंबर का था, मैथ जो था यहाँ पे वो भी 25 नंबर का था, इंग्लिश 25 नंबर का था, और हिंदी कितने नंबर का था दोस्तों, 25 नंबर का। तो टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, और क्वेश्चंस क्या था वो आज रात तक वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो पीटी का एग्ज़ाम हो गया। इसके बाद मेंस, मेंस कहने का मतलब जो बच्चे सेलेक्ट होके आएंगे उनको 90 और 10 मार्क्स, 90 मार्क्स का क्या करना पड़ेगा, रिटेन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और 10 मार्क्स का वाइवा देना पड़ेगा। इसका डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि ऐसे राइटिंग वगैरह कैसा क्या था, वो अभी हम समझाएंगे आगे चल के, ठीक है। तो मतलब कि जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें बताएंगे, अभी बस पीटी पे आप कॉन्सेंट्रेट होकर रखिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है ऐसा हमको लग रहा है। अब एग्ज़ाम फी वगैरह तो आपको जानने का ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम फी जो आएगा वो तो देना ही पड़ेगा। तो ये टोटल आपका था 2016 वाले का। तो 2016 में जो दो क्वेश्चंस पेपर है हमारे पास वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। दो क्वेश्चंस पेपर हमारे साथ हमारे पास है, और एग्ज़ाम डेट के साथ है, वहाँ पे मैं डिटेल बताऊँगा कि वो जो एग्ज़ाम है वो कलर का ही एग्ज़ाम है। इसी तरह से मैं अगले वीडियो में आपको फिर स्टोनोग्राफर के लिए भी एक लेके आऊँगा। किसके लिए दोस्तों? स्टोनोग्राफर के लिए लेके आऊँगा। इसके बाद उसके अगले वीडियो, मतलब कि कंटिन्यूस में सारे पोस्ट को मैं यहाँ पे डिटेल कर दे रहा हूँ 2016 से कंपेयर कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर आप अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ एक स्टोनोग्राफर के डिटेल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।